सो हे गाइस, अभी मैं हूँ ताम्बरम में और ड्राइंग रूम में रुका हुआ हूँ। फिलहाल आप देख मतलब इसका रिव्यू ऑलरेडी आप देख चुके हो। फिलहाल अब मैं जाने वाला हूँ चेन्नई एगमोर, अपनी एक और नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए। आज मैं जर्नी करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 16851 रामेश्वरम एक्सप्रेस में, जो कि चेन्नई से रामेश्वरम के बीच में रेगुलर रन करती है, यानी कि डेली रन करती है। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 665 किलोमीटर का, जिसे कवर करने में इसे लगता है 13 घंटे का समय। तो आज हमारी जर्नी इसी ट्रेन में होने वाली है। तो अब मैं आपको टाइमिंग बता दूँ इस ट्रेन की। तो ये ट्रेन निकलती है चेन्नई एगमोर से 7:15 पे, नेक्स्ट डे सुबह आपको 8:20 पे रामेश्वरम छोड़ देती है। तो फिलहाल ये रहा हमारा ड्राइंग रूम, एसी ऊपर लगा हुआ है, ऑन है अभी भी। फिलहाल हम लोग रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो बैकपैक सारा कुछ रेडी है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसको छोड़ने का टाइम था कल सुबह का, लेकिन हम लोग पहले ही जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था हमने 3 दिन की बुकिंग ली थी, बट रह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 1 दिन, क्योंकि हमारा जो प्लान है थोड़ा बहुत चेंज किया है हमने। अभी सीधा चलते हैं चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोगों ने एक लोकल ले लिया जो हमें छोड़ देगी चेन्नई एगमोर तक। सामने है सेतु सुपर फास्ट एक्सप्रेस, इसमें टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। तो ठीक मतलब 2 मिनट पहले आया हूँ ट्रेन डिपार्ट होने से पहले, और अब हम लोग निकल चुके हैं चेन्नई एगमोर से। फिलहाल यहाँ का डिपार्चर पॉइंट जाकर लोकोमोटिव वगैरह बाद में दिखा दूँगा। अभी नेक्स्ट स्टॉप जो इसका ताम्बरम में होने वाला है। फिलहाल चेन्नई एगमोर का डिपार्चर इन्जॉय करो, बाकी मैं ताम्बरम में मिलता हूँ। कोल्लम एक्सप्रेस वेब 7 के साथ खड़ी है यहाँ पे, रोयापुरम के वेब 7 के साथ। जब हम लोग चेन्नई एगमोर एंटर कर रहे थे तो मैंने देखा था वेब 4 लगा हुआ था हमारे इस ट्रेन में। चेन्नई एगमोर बाय बाय, आप पता नहीं कब मिलेंगे, बट कोशिश है जल्दी मिलेंगे। आजकल लोकोमोटिव्स पे ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा चल रही है, मतलब हर एक लोकोमोटिव पे एड्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। अब लेट क्यों हुआ मैं, क्योंकि हमारी जो लोकल है वो रास्ते में रुक गई थी, इसलिए जस्ट 2 मिनट पहले पहुँचा हूँ। और विश्वास नहीं करोगे, अगर मैं इस गेट से नहीं चढ़ता ना, मैं पटरी क्रॉस करके आया हूँ इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए, नहीं तो ट्रेन मेरी जो जल्द छूटने ही वाली थी, बट शुक्र है छूटी नहीं। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉप ताम्बरम आएगा करीब 25 किलोमीटर के बाद, मैं आपको सीधा वहाँ मिलता हूँ। वैसे ये ड्राइंग रूम था कल से, वहीं पे सारा टाइम स्पेंड किया, बाकी देखते हैं आगे कैसा रहता है। ताम्बरम से ही गए थे, एक बार फिर से आ गए यहीं पे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। सो अब बात करें इस स्टेशन की, तो इसका स्टेशन कोड है TBM, और ताम्बरम को आप चेन्नई बीच ताम्बरम सेक्शन यानी सबर्बन रेलवे का टर्मिनल रेलवे स्टेशन भी कह सकते हो, और चेन्नई सिटी का आप इसे 4th टर्मिनल रेलवे स्टेशन भी कह सकते हो। इसके साथ ही चेन्नई सिटी का 3rd बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन चेन्नई एगमोर और चेन्नई सेंट्रल के बाद यही रेलवे स्टेशन है।
काफ़ी ज़्यादा रश है, मे बी बहुत सारे पैसेंजर यहाँ से भी ऑन बोर्ड होने वाले हैं इस ट्रेन में। रश काफ़ी है इसलिए मैं अभी विंडो से आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का डिपार्चर। हम लोग निकल चुके हैं ताम्बरम से और इतनी उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना ज़्यादा रश रहेगा इस ट्रेन में। आपको मैं बता दूँ 101 तत्काल की वेटिंग लिस्ट गई थी इस ट्रेन के लिए, तो मेरे को तो विश्वास भी नहीं था कि हमारी जो टिकट है वो कंफर्म होगी। एक्चुअली हमारी जो वेटिंग थी वो 60 नंबर पे थी, कंफर्म होने के चांस मुझे लग रहा था 0% ही थे, बट पता नहीं कैसे हो गया। सामने लोकल ट्रेनों का स्टॉप होता है वहाँ पे, वो छोटे प्लेटफॉर्म है थोड़े इससे। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो चंगलपेटू में होगा, चंगलपेटू। वो ट्रेन चंगलपेटू से आ रही है। भाई साहब एक शानदार सी एंट्री के साथ हम लोग आ चुके हैं चेंगलपट्टू जंक्शन में, जिसका स्टेशन कोड है CGL। 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। चेन्नई सबर्बन में इसे भी एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन आप मान सकते हो, क्योंकि वैसे तो मोस्टली जो ट्रेनें हैं वहाँ पर ही ताम्बरम में ही टर्मिनेट हो जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ ट्रेनें चेंगलपट्टू तक भी आती हैं चेन्नई बीच से। ये रेलवे स्टेशन चेन्नई डिवीज़न में आता है और SR जोन में पड़ता है। 1965 में इस लाइन को इलेक्ट्रीफाइड किया गया था, यानी कि ताम्बरम से चेंगलपट्टू के सेक्शन को इलेक्ट्रीफाइड किया गया था। तो 2 मिनट का स्टॉप हुआ है चंगलपेटू में भी और हम लोग निकल चुके हैं चंगलपेटू से। अभी भी यहाँ से जो पैसेंजर हैं ऑन बोर्ड हुए हैं, इसलिए बाहर मतलब निकलने का मौका नहीं मिलता है। अब मे भी हो सकता है आगे जो स्टेशन आए उनको मैं कवर कर सकूँ, बाहर निकल सकूँ। फिलहाल बस डिपार्चर और अराइवल इन्जॉय करो। और इस रेलवे स्टेशन को आप चेंगलपट्टू सिटी का हार्ट भी कह सकते हैं, और ये बसा हुआ है कोलवई लेक के किनारे पर। और चेंगलपट्टू को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 2 लाइनें क्रॉस होती है, एक है चेन्नई विल्लुपुरम वाली लाइन और सेकंड है अरुकोनम चेंगलपट्टू वाली लाइन, इसी वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। साउथर्न रेलवे का एक और रेलवे स्टेशन जहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉप है मेलमरू बत्रू। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गलती हो रही हो तो बता देना, क्योंकि पहली बार मैं इस रूट पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा छोटा रेलवे स्टेशन मुझे दिखाई दे रहा है, ये कुछ है भी नहीं इस प्लेटफॉर्म पे। वो मेलमरू बतूर से हम लोग निकल चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा छोटा रेलवे स्टेशन है, और जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी आई थी उस पर लाइट तक नहीं जल रही थी। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इस पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। इसका स्टेशन कोड है MLMR और ये पड़ता है तमिलनाडु के चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में। 40 ट्रेन यहाँ पे आके स्टॉप होती हैं, 3 ऑरिजिनेट और 3 टर्मिनेट होती है। चेन्नई में हम लोगों को नॉर्थन थाली तो मिली नहीं, तो अभी मैंने आपको सोचा कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए इस ट्रेन में भी, तो हम लोगों ने लिया है इडली। तो इडली जो कि मुझे मिला है 50 रुपीज़ का, फिलहाल देख सकते हो 4 इडली है इसमें, और ये इडली के साथ हमें सांभर मिल चुका है। तो बस आज यही हमारा डिनर होने वाला है, बाकी जो भी चीज़ अगर मैं आगे कुछ लेता हूँ खाने पीने का तो वो भी आपको दिखा दूँ। सो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं विल्लुपुरम जंक्शन में, ये पड़ता है तमिलनाडु के विल्लुपुरम में।
चेन्नई का एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये, और तिरुचिपल्ली और सलीम जंक्शन के बाद आप इसे थर्ड लार्जेस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ब्रांच लाइनें क्रॉस करती हैं। इसका स्टेशन कोड है VM और इसे ओपन किया गया था 1879 में और रीबिल्ड किया गया था इस स्टेशन को 2011 में, यानी 2011 में। सो चेन्नई एगमोर से 158 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं अभी वेरुमपल्ली जंक्शन में। अच्छा खासा रेलवे स्टेशन है ये, और अगर आप लोग इस ट्रेन यानी कि हमारी रामेश्वरम एक्सप्रेस से जर्नी कर रहे हो तो आप अपना फूड वगैरह यहाँ से कैरी कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कहीं और आपको फूड वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। करीब 11-12 बजे आपको कहीं पे भी कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। तो अब मैं आपको स्टेशन के बारे में बता दूँ, टोटल 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और हमारी जो ट्रेन है वो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है, और काफ़ी अच्छा खासा ये जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से टोटल 5 लाइनें क्रॉस होती हैं। एक चली जाती है पौंडीचेरी की तरफ काटपाड़ी जंक्शन की तरफ, और तीसरी लाइन चली जाती है चेंगलपट्टू की तरफ, और जिस लाइन पे अभी हम जाने वाले हैं कुडलोर पोर्ट की तरफ, और एक लास्ट लाइन कौन सी है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। तो ये था यहाँ का कुछ इन्फॉर्मेशन, अब जो भी है ट्रेन के डिपार्ट होने पे मैं आपको दिखाता हूँ। शार्प ऑन टाइम वी आर डिपार्टेड फ्रॉम विरुकुलम जंक्शन। और हाँ, अगर आप लोग विल्लुपुरम आ रहे हो तो यहाँ पे आपको 100 साल से भी ज़्यादा पुराने बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको टेंपल, मस्क्यूज, चर्चेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी 100 साल पुरानी, 100 साल से भी पुरानी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुडलोर पोर्ट जंक्शन पर, लेकिन अभी मैं बाहर नहीं जा सकता हूं क्योंकि बाहर गेट पे काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर खड़े हैं, वो भी विदाउट टिकट है। खाली स्टेशन है पूरा, आप देख सकते हो। इसका स्टेशन कोड है CUPJ और एक पोर्ट रेलवे स्टेशन है। चेन्नई एगमोर मेन लाइन पर होने की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये। हमारी ट्रेन का भी सिग्नल हो चुका है और यहाँ से निकल रही है, बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पे आई थी। और यहाँ से 3 लाइनें डाइवर्ट होती हैं, एक चली जाती है मेलाइधतरई जंक्शन की तरफ, एक जिस स्टेशन से हम पीछे आए हैं अभी वेल्लुपुरम जंक्शन की तरफ से, और एक लास्ट वृद्धांचलम जंक्शन की तरफ चली जाती है। तो वैसे तो कुछ है नहीं यहाँ पे, पीछे मैं अराइवल भी आप लोगों के लिए कैप्चर कर रहा था बट GoPro ऑन ही नहीं हुआ, और मुझे लग रहा था कि GoPro ऑन हो चुका है बट इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फिलहाल देख सकते हो कितना रश है, सारे विदाउट पैसे मतलब विदाउट टिकट पैसेंजर रहेंगे। दूतरे से हम लोग अभी निकल चुके हैं, मैं सोया हुआ था और जैसे देखा अराइवल हो रहा है तो मैंने कैमरा चालू कर दिया था। वैसे जंक्शन है यहाँ से क्योंकि 2 लाइनें क्रॉस होती हैं, 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये। मायलादुतरई जंक्शन का स्टेशन कोड है MB और ये सर्व करता है मायलादुतरई को। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और ये पड़ता है तिरुचिपल्ली डिवीज़न में, यानी कि अभी हम लोग तिरुचिपल्ली डिवीज़न में आ चुके हैं। मायलादुतरई तो यहाँ पे अभी हम अर्ली मॉर्निंग मानामदुरई में एंटर कर रहे हैं। इसका स्टेशन कोड है MNM और सर्व करता है मानामदुरई को, जो कि है तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में। इस रेलवे स्टेशन के साथ हम लोग आ चुके हैं मदुरई रेलवे डिवीज़न में, और इस रेलवे स्टेशन के साथ मदुरई रेलवे स्टेशन को कनेक्ट मत करना, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ये रेलवे स्टेशन।
ये माना मदुरई रेलवे स्टेशन है जो कि काफ़ी अलग रेलवे स्टेशन है। जब आप तिरुचुपल्ली साइड से आ रहे हो या जा रहे हो तो ये रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ एक और रूट है जिससे आप डायरेक्ट मदुरई जंक्शन की तरफ चले जाते हो। बात हो रही है मदुरई की तो मैं आपको बता दूँ लगभग 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा यहाँ से मदुरई जंक्शन। और जो माना मदुरई रेलवे स्टेशन है ये पड़ता है शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में। माना मदुरई रेलवे स्टेशन टोटल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और इसे ओपन किया गया था 1902 में यानी कि 1902 में और रीबिल्ड किया गया था 2007 में, लगभग 15 साल पहले। इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है बट अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ तक नहीं आई। अब देखो जैसे ही मैं अराइवल शूट करता हूँ उसके बाद मैंने जैसे ही कैमरा अपना उठाया और देख रहा हूँ सामने आपके मेरी वॉइस जो है वो कैप्चर ही नहीं हुई है गोप्रो में। ये जो गोप्रो का इशू है वो काफ़ी बहुत मतलब मेरे लिए सिरदर्द बन चुका है। कितनी सारी वीडियोस में ऐसा हो चुका है, कई बार मैं स्टेशन पे बनाता हूँ जो वीडियो वो भी कैप्चर नहीं हो पाती है। तो देख सकते हो लगभग जितने भी पैसेंजर थे इस ट्रेन में ऑनबोर्ड वो यहीं पे डिवोर्ड हो चुके हैं। सो अब हम लोग निकल चुके हैं परमकुट्टी रेलवे स्टेशन से। स्टेशन कोड PMK, टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। लगभग यहाँ पे 23 ट्रेनों का स्टॉप है और ये पड़ता है रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के SR जोन में आता है और मदुरई डिवीज़न इस रेलवे स्टेशन को हैंडल करता है। अभी लगभग 90 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा है हमारी डेस्टिनेशन के लिए यहाँ से, और जितने भी पैसेंजर थे इस ट्रेन में वो यहीं पे डीबोर्ड हो चुके हैं। अब लगभग हमारी जो ट्रेन है वो खाली हो चुकी है। फिलहाल हम लोग यहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं। 42 मीटर अबव द सी लेवल पर है ये रेलवे स्टेशन। परमकुट्टी और यहाँ का जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी तक तो सही लग रहा है, गर्मी वगैरह नहीं है, एकदम ठंडा मौसम हो रखा है। और अभी हम लोग जिस लाइन पे चल रहे हैं ये पूरा सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, मतलब पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी हो चुका है इस रूट पर। पोल वगैरह आप देख ही सकते हो, बट फिर भी तिरुचुपल्ली में हमारे जो वेब 4 को हटा दिया गया था और अभी WDM 3, ये पता नहीं कौन से शेड का लोकोमोटिव लगा हुआ है, वो मैं आपको रामेश्वरम में दिखा दूँगा। एक और हमारे जर्नी का स्टॉप निकल रहा है रामनाथपुरम। स्टेशन कोड RMD। टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है और हमारी गाड़ी का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। 611 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप मंडपम की तरफ और हमारी डेस्टिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा करीब है हमसे। फिलहाल आप देख सकते हो रामनाथपुरम का डिपार्चर और मैं बता दूँ ये स्टेशन 10 मीटर अबव द सी लेवल पर लोकेटेड है। और अभी भी हम लोग सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन पर ही चल रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोल हैं वो कहाँ तक हमारे साथ जाएंगे कुछ पता नहीं है। और सूरज देख सकते हो, सूरज देवता भी पूरी तरह निकल चुके हैं। थोड़ी देर में हम लोग अपनी जर्नी को एंड करने वाले हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसका
का इंटीरियर दिखा दूँ, हम लोग स्लीपर क्लास में जर्नी कर रहे थे, तो आप स्लीपर क्लास का इंटीरियर देख सकते हो। 3x3 की सीटिंग अरेंजमेंट इधर होती है, एक साइड अपर और एक साइड लोअर नीचे होती है। कोच बहुत पुराना था लेकिन फिर भी ठीक ठाक था, पूरा उत्वेस लिवरी में था और आप फिटिंग वगैरह देख सकते हो। चार्जिंग सॉकेट एक एक दिया गया है दोनों साइड पे, और बाकी सामने आपके होल्डर दिया गया, वहाँ पे आप सामान वगैरह टांग सकते हो। फैन बिल्कुल नई कंडीशन में है, लैंप्स लगे हुए हैं और मिरर लगा हुआ है सामने आपके, देख सकते हो। अब चलते हैं, मैं आपको यहाँ का इंटीरियर दिखाने, तो यहाँ देख लो, यहाँ पे आपको एक मिरर दिया गया है, एक होल्डर, एक छोटा सा लैंप, और स्पेस है शॉप होल्डर। सो अपनी जर्नी का एक और स्टेशन मंडपम, और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। स्टेशन कोड MMM, 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन था ये भी, और सामने कुछ ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, पता नहीं क्या हो गया। और जानते हैं समुद्र तल से स्टेशन की कितनी ऊंचाई है, ये 7 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। पहले के घर देखो कैसे बनाए जाते थे, पूरे अलग ही टाइप के पत्थर हैं ये, और वो शायद मोर है। हाँ, मोर है वो, देखो बद्दो बैठे हुए हैं। पानी आ रहा है यहाँ पे तो, और ये थोड़ा सा साफ सुथरा ही है, मतलब ठीक ठाक सी कंडीशन में है, बट उतना ज़्यादा नहीं। चलो अब मैं इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ आपको। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने 16851 रामेश्वरम एक्सप्रेस के वॉशरूम में, और वॉशरूम की कंडीशन भी एकदम नीट एंड क्लीन है, पानी वगैरह सही आ रहा है, मिरर भी साफ सुथरा है। मतलब बाहर से कोच देखने में भी अच्छा है, अंदर से भी अच्छा है, बट कंडीशन जो है वो थोड़ी पुरानी वाली है। सब कुछ सेम, वही होल्डर, यहाँ पे सब कुछ वैसा ही है। नीचे डस्टबिन दिया गया है, और सबसे बड़ी बात, वैसे तो ओवरनाइट ट्रेन जर्नी है लेकिन फिर भी बाथरूम में स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही, कोच बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो आप लोगों ने कभी इस ट्रेन में जर्नी की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ये ट्रेन हमेशा ऐसे ही साफ़ सुथरी रहती है? वैसे ऑलमोस्ट हमारी जो ट्रेन है पूरी खाली हो चुकी है, तो देखते हैं कैसा रहता है आगे का एक्सपीरियंस, क्योंकि आगे आने वाला है पंबन ब्रिज, वो आप अब इंजॉय करने वाले हो। सो गाइस, फाइनली जो जिस पल का हमें इंतजार था वो आ चुका है, आप देख सकते हो पंबन ब्रिज पे हम लोग एंटर करने वाले हैं। ये पहला ऐसा ब्रिज होगा जो समुंदर के ऊपर बना होगा। सो अभी ये जो नए पुल का काम चल रहा है, मे बी जल्दी इसे भी बना के स्टार्ट कर दिया जाएगा, और शायद ये वाले पुल को बंद कर दिया जाएगा। समुंदर के बीच में जो ये निकल जाता है ना, ये खत्म हो गया ना।
लगभग ट्रैक्स का काम भी इस वाले पुल पे कंप्लीट हो चुका है। मे बी वहाँ पे डबल लाइन का काम होगा, जब वो लाइन स्टार्ट होगी तब दोबारा आ जाएगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहले इस लाइन को कवर कर लिया जाए। सबसे पुरानी रेल लाइन है ये। सी ऑन ब्रिज के साथ साथ रोड भी है, पैरेलल चलती है जो हमारे साथ। इसे 1964 में आई थिंक ओपन किया गया था। ऐसा ओसम व्यू आज तक नहीं कभी एक्सप्लोर किया, और जहाँ तक मुझे पता है ये 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा ब्रिज है। सामने देख सकते हो कितनी सारी शिप खड़ी हैं, सब मछुआरे हैं। होप सो आप लोग इस जर्नी के साथ साथ इस व्यू को फुल एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आप लोग यहाँ तक मेरे साथ पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को फैला दो। इतना ओसम व्यू आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ रामेश्वरम में ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल सीन है यहाँ पे। आई थिंक मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा है वहाँ पे। और ये एक मेन, इसका मतलब पुल का सबसे मेन पार्ट है। यहाँ पे जब भी कोई बड़ी शिप आती है तो इसको मैन्युअली ओपन करके ऊपर उठाया जाता है, उसके बाद शिप क्रॉस करती है। लेकिन जो ये सामने आप पुल देख रहे हो नया वाला, इसमें क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा जैसे कोई शिप आएगी। उस पुल पे भी आया जाएगा, उस नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस रहने वाला है। फिलहाल पुरानी यादों को भी कुछ बनाए रखते हैं। तो फाइनली हम लोग उस पुल पर आ गए हैं। सोच सकते हो कितना हार्ड वर्क लगा होगा यहाँ पे, मतलब एक समुंदर के ऊपर एक रेलवे के पुल को तैयार किया गया है, और यहाँ पे पानी की गहराई कुछ ज़्यादा है। उस जॉइंट पे से पीछे इसे ओपन किया जाता है। लगभग पुल जो है वो एंड होने को है अब, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन आप लोगों में से रामेश्वरम आ चुका है, और आ चुके हो तो क्या इस पुल के ऊपर से कभी आप लोगों ने ट्रेन में जर्नी की है? अगर की है तो कौन सी ट्रेन में, ये सारा कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कैसा था आपका एक्सपीरियंस, मैं तो आपको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। बहुत टाइम लगाया भाई इस दिन को देखने के लिए, बहुत टाइम लगा दिया। इस दिन का इंतज़ार करते करते आखिर आज हम पहुंच ही गए रामेश्वरम में। और हाँ, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, आज जन्माष्टमी का दिन है। आज है 19 अगस्त, और बहुत बड़ा दिन है रामेश्वरम के लिए भी आज।
क्योंकि चार धामों में से रामेश्वरम को भी गिना जाता है उसमें। सो ब्रिज ऑलमोस्ट एंड हो गया है, अभी लाइंस का काम पूरा नहीं हुआ है। ये देखो ये पूरा अभी इनकम्प्लीट है। और ये हमारा रोड भी जो था पैदल चल रहा था वो इधर को मुड़ चुका है। अब हमारा एक स्टॉप आने वाला है पंबन में। सो नाउ वी डिपार्टेड फ्रॉम पंबन रेलवे स्टेशन। होप सो आप लोगों ने उस व्यू को एंजॉय किया होगा। अगर वो व्यू अच्छा लगा होगा तो फिर वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो। फिलहाल एक अच्छे खासे कार पे जाने वाले हैं हम लोग। फाइनली वी रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन रामेश्वरम। इस ट्रेन की भी फाइनल डेस्टिनेशन। और ये रेलवे स्टेशन मे बी इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि धनुषकोटी तो अभी तक बना नहीं है। मतलब धनुषकोटी के लिए लाइनें भी जाएंगी थोड़े दिनों में, फिलहाल यही है। और जो ये रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है, एक ये आइलैंड के ऊपर बना हुआ है। वैसे रामेश्वरम रेलवे स्टेशन टोटल चार प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 1906 में इसे ओपन किया गया था और 2007 में इसे रिबिल्ड किया गया था, यानी कि दोबारा से इसे बनाया गया था। और यहाँ की सबसे ऐतिहासिक ट्रेन जो है वो है एक सेतु एक्सप्रेस और एक बोट मेल एक्सप्रेस। सेतु एक्सप्रेस हम लोग बोर्ड करने वाले थे, लेकिन मैंने बताया जैसा कि हमारी जो टिकट थी वो उसमें कन्फर्म ही नहीं हो पाई। पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। बाकी हर एक ट्रेन की टाइमिंग है यहाँ पे काफ़ी अच्छी, मतलब दिन दिन में भी आपको अच्छी ट्रेन मिल जाएंगी जिससे आप उस रामेश्वरम यानी कि पंबन ब्रिज को एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है यहाँ का। नहीं, वो रामेश्वरम ओखा एक्सप्रेस लगी हुई है। और आगे जाके मैं आपको इसका लोकोमोटिव भी दिखाने वाला हूँ, कौन सा लोकोमोटिव है। शॉप्स वगैरह भी सारी क्लोज हैं अभी। तो देख लो, ये ही था लोकोमोटिव जो हमारे साथ आया है, GOC का WDM-3 है। और लास्ट लैंड है, देख लो इसके आगे कोई ट्रेन नहीं जाती है। और ये देख लो, इसके आगे कोई भी ट्रेन नहीं जाती है। इसके आगे अगर जाएगी भी तो धनुषकोटी से जाएगी, मतलब धनुषकोटी तक जाएगी। फिलहाल अब हम लोग चल रहे हैं बाहर और जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं।